मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल में। प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाएं और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। दिल्ली के मेहरौली इलाके में एक रेस्टोरेंट के अंदर चाकूबाजी होती है। इस चाकूबाजी में एक शख्स की मौत हो जाती है जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिनका की इलाज दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही रेस्टोरेंट है जहां पर पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुँच चुके हैं और पूरे मामले की जाँच में जुट गए हैं। फिलहाल CCTV के आधार पर पुलिस हमलावरों की पहचान कर रही है। अब देखना होगा कि कब तक दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की तस्वीर को साफ कर पाएगी। और जी कैसे हैं? गाड़ी लेके आ गया, आपका वाहन आ गया। ऐसा आप ना मेहरौली इलाके के लोग क्या कहते हैं, आइए ये सुनते हैं। उपी जी क्या हुआ यहाँ पे मेहरौली? यहाँ अभी ये घंटे पहले अभी जो पता चला है कि यहाँ पे हुक्का बार चलता है, यहाँ पे इल्लीगल वो हुक्का बार है, यहाँ पे इल्लीगल। यहाँ पे कुछ बंदे आए, यहाँ पे इन्होंने गोली और चाकू मारा, तो दो बंदों को मारा जिसमें ये पता चला है कि एक घायल हुआ है और एक मर गया और उसको ट्रामा सेंटर ले जाते हैं, मर गया। और चोट भी लगी है ज़्यादा लोग के? हाँ नहीं, दो ही बंदों को ज़्यादा बताया गया है कि ये गंभीर रूप से घायल बताया गया है और एक जब उसको ले जाया जाता है ट्रामा सेंटर तक वो मर चुका है। क्या लगता है क्यों गोली चलाई थी, कोई झगड़ा था या फिर क्या? कुछ हो सकता है, इनका आपस ही हो सकता है रंजिश, या फिर ये तो आप पुलिस वाले आए यही बता सकते हैं क्योंकि अभी जांच चल रही है, जैसी पूरी होगी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन। आप लोग यहीं रहते तो क्या पुलिस वाले जाने भी नहीं दे रहे आप लोगों के इधर अंदर में? नहीं बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं जाने दे रहे क्योंकि यहाँ पुलिस वालों ने पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है और ये रास्ता जो है हमारे गुरुद्वारे की तरफ भी जाता है और गुरुद्वारे से बस स्टैंड की तरफ आता है, दोनों रास्ता ब्लॉक कर रखा है। अच्छा, जो जिसकी मौत हुई है उसका क्या नाम है, क्या पहचान हुई है उसकी? अभी उसकी कोई पहचान नहीं हो पाई है। अच्छा, मेहरौली का रहने वाला है या बाहर का है? मेहरौली का ही रहने वाला बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जिस यहाँ पर ये हुक्का बार चलता है क्या इसमें और भी दुकानें हैं और पब हैं, कुछ है क्या क्या चीज़ें? यहाँ पर दो हुक्का बार हैं, आप ऊपर देखेंगे दो हुक्का बार हैं और नीचे पिज्ज़ा हाउस है और पिज्ज़ा हाउस के ऊपर ही चलता है और ये इल्लीगल चलता है यहाँ पर। कितने बजे हुआ था? ये अभी एक घंटे पहले का हादसा। तो आपने सुना कि इलाके के लोगों ने क्या कहा। फिलहाल आपको हम उस ऑटो चालक की भी दास्तान सुनाते हैं जिसने इन घायलों को अस्पताल पहुंचाया था। गोली का तो मैंने चाकू लगी है, मैं तुम्हें देखा था कि चाकू लगी है, पतला वाला बहुत डेंजर, पतला वाला डेंजर है। और दाढ़ी वाला जो था, जो दाढ़ी वाला बच गया है शायद, और जो पतला वाला था वो तो छोटे दाढ़ी वाला गोरा सा था, जो ऑटो में बैठा। आप अपना नाम बताएं? मेरा नाम दिनेश कुमार है। दिनेश, क्या आपने कॉल किया, क्या हुआ था? जी मैं स्टैंड पर खड़ा था, फिर वहाँ पे 5-6 बंदे आए कि मेरे भाई को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो, चाकू लगी है। मैं ऑटो लेके आया, ऑटो में बैठा के जैसे ऑटो में रखा वैसे ही मैंने उसको बैठा के जब लेके चला तो पुलिस वाले आए मेरे शीशे पे, फिर मैं शीशा टूटा हुआ शीशा में हॉस्पिटल लेके गया, जिसको ले गया वो तो घर बच। कितनी बढ़िया बात है। और कोई मरा भी है यहाँ पे? जी कोई मरा भी है? कोई मरा भी है? एक तो मरा गया, उसको बहुत सीरियस हो तो यही मतलब ख़त्म था, वो जो बैठे थे हमारी गाड़ी में वो कह रहे थे मर गया भैया। अच्छा, कितने लोग आपकी गाड़ी में गए? हमारे गाड़ी में एक गए, दो ऑटो गई। अच्छा, तो दो ऑटो, एक तो सही था लेकिन एक ऑटो में हमारे पुलिस वाले से जब जो जख्म था किस चीज़ से था, कहाँ पे था? चाकू लगी थी पेट में सर, 10-12। क्या उम्र रही होगी, कुछ पता चला था कितनी उम्र होगी उनकी? उम्र 30-35 साल की होगी। और कितने बजे के आसपास हुआ? 9 बजे के आसपास। कॉल आपने ही किया था? नहीं, मैं हॉस्पिटल में जाकर कॉल किया कि हमारे पुलिस वाले शीशा तोड़े। अच्छा, ये झगड़ा से मैं कोई मतलब नहीं, हमें शीशा तोड़ा इसलिए कॉल किया। ठीक है, फिलहाल देखना होगा कि दिल्ली पुलिस कब तक इस पूरे मामले को साफ कर पाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली के अंदर सरेआम रेस्टोरेंट में चाकूबाजी होती है उससे कहीं ना कहीं सुरक्षा पे सवाल जरूर उठते हैं।